शाहरुख खान की जवान को लेकर बहुत बज बना हुआ है। मेकर्स बीच बीच में कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अभी अभी फिल्म पर काम करने वाले एक स्टंट मैन का इंटरव्यू आया था। उस भाई ने बताया कि शाहरुख बड़े हम्बल टाइप के आदमी हैं। स्टंट मैन होने के बावजूद उन्होंने खुद स्टंट किया। मेकर्स ने पहली फुर्सत में उसे इंस्टाग्राम से हटवाया है। फिल्म के बारे में लोगों को ज्यादा पता नहीं है, इसलिए अंदाजों के तीर चलाए जा रहे हैं। फैन थ्योरीज से इंटरनेट भरा पड़ा है। सबसे मजेदार वो है जिसमें जवान के टीजर में शाहरुख के चेहरे पर पट्टी बांधे होने की वजह बताई गई है। इंटरनेट पर कुछ शाहरुख के फैन अकाउंट्स हैं। वो लोग नियमित तौर पर फिल्मों से जुड़े कुछ अपडेट्स देते हैं। ऐसे ही एक हैंडल से जवान के एक जरूरी सीक्वेंस के बारे में हिंट दिया गया। देखिए, इसमें एक गंजा सिर नजर आ रहा है, बीच में सेब है और तीसरी फोटो सूरज की है। इसके आधार पर फैंस ने जो गेस किया है वो बताते हैं। कुछ समय पहले जवान के लुक टेस्ट से शाहरुख खान की एक फोटो आई थी, इसमें वो गंजे नजर आ रहे थे। फिर पता चला कि इस फिल्म में उनका डबल रोल होना है, बाप और बेटे का। अब पहले सवाल पर वापस लौटते हैं, जवान के टीजर में शाहरुख के चेहरे पर पट्टी बंधी होने की क्या वजह हो सकती है? फैंस के मुताबिक फिल्म के विलेन ने शाहरुख के पिता वाले किरदार को जला दिया है, जिसका वो बदला लेने जा रहा है, इसलिए चेहरे पर पट्टी बांधी है। जलने की वजह से उसके सिर के बाल चले गए हैं, चेहरा भी झुलसा हुआ नजर आता है। यहाँ फिट होता है वो गंजे वाला लुक। अब फिल्म के एक सीक्वेंस के लिए मिले हिंट पर आते हैं। गंजे सिर वाली फोटो का मतलब शाहरुख का पिता वाला किरदार, सेब मतलब सेब या बचने से है, और सूरज का मतलब सन यानी बेटे से। फैन थ्योरीज के मुताबिक शाहरुख का पिता वाला किरदार अपना बदला लेने और अपने बेटे को बचाने आता है। जाहिर तौर पर ये बिल्कुल ही हवा हवाई गैस है, मगर पक्के तौर पर ये नहीं कहा जा सकता कि फिल्म में ऐसा कुछ होगा ही। बहरहाल, खबरें हैं कि 25 जून के आसपास जवान का प्री टीजर रिलीज किया जा सकता है। उसी के साथ मेकर्स प्रमोशन शुरू करने की तैयारी में जुटे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी बताया जा रहा है कि फिल्म में शाहरुख का 5 मिनट लंबा मोनोलॉग होने वाला है। मोनोलॉग मतलब जब एक ही आदमी लगातार बात कर रहा हो निर्विरोध तरीके से, जैसा कार्तिक आर्यन ने किया था प्यार का पंचनामा में। मगर शाहरुख वाला सीन उससे अलग मसले पर होगा, संभवतः फिल्म के विलेन से जुड़ा हुआ। खैर, जवान में शाहरुख के साथ नयनतारा, विजय सेतुपति, सानिया मल्होत्रा, सुनील ग्रोवर और योगी बाबू जैसे एक्टर्स दिखाई देंगे। संजय दत्त और दीपिका पादुकोण का फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस होगा। जवान को एटली ने डायरेक्ट किया है। ये फिल्म 7 सितंबर को सिनेमाघरों में लगने वाली है। आपके लिए जानकारी जुटाई थी हमारे साथी श्वेता अंक ने। मैं हूं मेघना, देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए YouTube पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए ललन टॉप के YouTube चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।